मानसी राठौर डिजाइन हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। कीर्तनीय जत्थे द्वारा शबद कीर्तन से संगत को किया निहाल। मौसम ने ली करवट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शहर के आसमान में बादलों ने डाला डेरा। भीषण गर्मी से आमजन को मिली राहत। पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के दौरे को लेकर शहर कांग्रेस नेताओं में उत्साह का माहौल। विधानसभा चुनाव का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रतलाम से करेंगे शंखनाद। गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा गुरु नानक के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए जाने जाते हैं। बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जन्म प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा गुरु नानक के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए जाने जाते हैं। गुरु तेग बहादुर प्रकाश पर्व उनके जीवन और शिक्षाओं को याद करने के लिए मनाया जाता है। गुरु साहेब एक बेहतरीन कवि और विद्वान थे, जिन्होंने सिख धर्म की पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत योगदान दिया। जहां धर्म के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस स्थान पर आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बनाया गया है। ये गुरुद्वारा दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध इलाके चांदनी चौक में स्थित है। आज गुरु तेग बहादुर शैक्षिक संस्था में शब्द कीर्तन भाई जसप्रीत सिंह जी, मनप्रीत सिंह जी फतेहगढ़ साहिब से पधारे। कीर्तनीय जत्थे द्वारा शब्द कीर्तन से संगत को निहाल किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समाज व सिख पंथ से जुड़े हुए लोग सम्मिलित हुए, धर्म लाभ लिया। सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। बादल छाए रहने की वजह से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। वहीं जिले में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद रतलाम में आज सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। बादल छाए रहने की वजह से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। वहीं जिले में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जिससे मौसम खुशनुमा बना हुआ है। गौरतलब है कि बीते 4-5 दिनों से रतलाम में दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री से अधिक बना हुआ था। वहीं रात का तापमान भी 24 डिग्री से अधिक पहुंच गया था, जिसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाए बादलों ने गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रतलाम सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश होने की संभावना जताई गई थी, जिसके बाद आज सुबह से ही रतलाम में घने बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। आगामी 48 घंटों में भी इसी तरह मौसम बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के रतलाम आगमन को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने जन आक्रोश रैली में आमजन से भाग लेने की अपील की है। प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ रतलाम से आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर शहर कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर
कई प्रकार के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रतलाम आगमन को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा सारी तैयारियां क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण की जा रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि यह हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हमारे रतलाम शहर से आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं। कमलनाथ जी प्रदेश में बढ़ती महंगाई के विरोध में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत रतलाम शहर से कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। पोलो ग्राउंड के समीप अंबेडकर ग्राउंड पर जन आक्रोश सभा की तैयारियां कांग्रेस नेता कर रहे हैं, जिसका कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी कल रतलाम पधार रहे हैं और पूरे प्रदेश और देश में जिस प्रकार से महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है, उसके विरोध में शंखनाद रतलाम शहर से कर रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। इस रैली को, जो जन आक्रोश रैली है, इसको संबोधित करने के लिए कल वो पधार रहे हैं और हमारा ऐसा आकलन है कि पूरे प्रदेश में सभी जनता बेहाल हो चुकी है महंगाई से, और इस जो विरोधी मूवमेंट जो कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया है उसमें काफ़ी सहभागिता कांग्रेस की आम जनता करेगी, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। ग्रामीण से भी हमारे जो अध्यक्ष विधायक हर्ष विजय गहलोत जी भी लगातार सतत रूप से सक्रिय हैं और वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूरे जिले से सभी लोग आने का संभावना है। आसपास के जिले से भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं आज यही आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में महंगाई ने आम आदमी का जीवन दुभर कर दिया है। रसोई गैस से लेकर खाने पीने की सामग्री से लेकर छोटी से छोटी चीज़ें, वस्तु महंगी हो गई है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कांग्रेस आम जनता और गरीब जनता की लड़ाई जो लड़ने जा रही है इस रैली के माध्यम से, उसमें आप पूरा सहयोग और सहयोग देवें, जिससे इस जनता, इस सरकार तक यह संदेश जावे कि वास्तव में जनता को अगर सुरक्षित ना, तो महंगाई हटानी पड़ेगी। ये संदेश हम यहाँ से देना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों सबसे अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में सहभागिता करें, यही अपील करना चाहूँगा। अब बारी एक छोटे से ब्रेक की। माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में अपने घर का सपना करे साकार। जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के। मकान सभी साइज में उपलब्ध है, 10x40, 10x50, 15x50, 20x40, 30x50 और बंगले भी। इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9179970906, 8898, 8871618 � 4407, 7000 456734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी कनेरी रोड न्यू झाबुआ टू लेन पुलिस लाइन के आगे रतलाम। डोंगरीनगर स्थित उद्यान में कुंदकेश्वर महादेव की मूर्ति स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मंदिर परिसर से भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
देवों में महादेव ही एक ऐसे देव है जो सबसे जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनवांछित आशीर्वाद प्रदान करते हैं। डोंगरे नगर स्थित उद्यान में कुंदकेश्वर महादेव की मूर्ति स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रातः कल 8 बजे के करीब मंदिर परिसर से भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा डोंगरे नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर परिसर पहुंची। तत्पश्चात भूदेव मनीष परसाई व अन्य भूदेवों द्वारा यज्ञ हवन का आयोजन कर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी व धर्मालु जन मौजूद रहे। संकटश्चैव विघ्नस्तस्यै न जायते शुक्लां वर्धनं देवं ससीवर्णं चतुर्भुजं प्रसुरासुरे सर्वविघ्नहरत्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमङ्गलकारावलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहगास्वरामि सार्धेस्तो जनार्दन कांग्रेस नेत्री कोमल ध्रुवे द्वारा अपने निवास स्थान पर ग्रामीण कांग्रेस नेताओं की बैठक लेकर जन आक्रोश रैली के साथ सभा को सफल बनाने के लिए ग्रामीण कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के रतलाम आगमन को लेकर सभी नेता अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करते हुए ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जन आक्रोश रैली में सम्मिलित होने के लिए आमजन से अनुरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेत्री कोमल ध्रुवे द्वारा अपने निवास स्थान पर ग्रामीण कांग्रेस नेताओं की बैठक लेकर जन आक्रोश रैली के साथ सभा को सफल बनाने के लिए ग्रामीण कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। जिस पार्टी ने हमको आजादी दिलाई उस पार्टी के लोग आज हम दूसरे के दरवाजे में खड़े हो रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता इतना तकलीफ में है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है, जिसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं थोड़े दिन जरूर इधर उधर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा भी घर है, मुझे देखना पड़ता है। लेकिन रतलाम ग्रामीण का कोई भी काम है तो मैं निस्वार्थ करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे निगम प्रशासक कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर निगम आयुक्त द्वारा शहर की शासकीय भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कर फेंसिंग करने का कार्य जारी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा शहर की शासकीय भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करके फेंसिंग करने का कार्य जारी है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर कार्जुन नगर स्थित नेमिनाथ जैन मंदिर के पीछे स्थित शासकीय भूमि पर से निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने के साथ भूमि की नप्ती करते हुए फेंसिंग करने का कार्य शुरू कर दिया है। उक्त कार्यवाही निगम पीडब्ल्यूडी अधिकारी राजेंद्र मिश्रा, राजेश पाटीदार के साथ निगम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। कीर्तनीय जत्थे द्वारा शबद कीर्तन से संगत को किया निहाल।
मौसम ने ली करवट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शहर के आसमान में बादलों ने डाला डेरा। भीषण गर्मी से आमजन को मिली राहत। पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के दौरे को लेकर शहर कांग्रेस नेताओं में उत्साह का माहौल। विधानसभा चुनाव का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रतलाम से करेंगे शंखनाद।